हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्कीज किचन। मैं हूँ एकता और मैं आज आप सबों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी पनीर ब्रेड चॉप की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा शिमला मिर्च कटा हुआ, 4 चम्मच फ्रेश नारियल कद्दूकस किया हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ और 1 बॉल पनीर कद्दूकस किया हुआ। मसालों में हम लेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, नमक 1/2 चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज, गाजर, पनीर, शिमला मिर्च, नारियल और हरा धनिया। यहाँ पे इसमें नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए स्टफिंग तैयार है। अब हम इस स्टफिंग को ब्रेड में भरेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड के किनारों को मैंने साइड से काट के निकाल दिया है। आप यहाँ वाइट या ब्राउन कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इस छोटे से ट्रे में हमने थोड़ा सा पानी लिया है। ध्यान रहे यहाँ पे पानी बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए। हमें 1 ब्रेड में 1 चम्मच के अप्रॉक्स पानी चाहिए। बस ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर आना चाहिए ताकि ये बाइंड हो सके। अब इस पानी में हम ब्रेड को डालेंगे और इसे अच्छे से हाथों से दबाकर पानी को निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे और इसे चारों साइड से फोल्ड करेंगे। अब हमें इसे गोल बॉल का शेप देना है। देखिए बॉल बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड में पनीर भरकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बॉल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें बॉल डालेंगे। अब हम इसे पलटकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। आप इसे सॉस, धनिया पत्ता की चटनी या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पनीर ब्रेड चॉप बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। अपने फीडबैक और सजेशंस यूं ही कमेंट के थ्रू देते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।